हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम योर निधि मिस फ्रॉम किड्स पैराडाइज पब्लिक स्कूल। हम चैप्टर थ्री कर रहे थे। चैप्टर थ्री आपका है बर्ड्स, फूड एंड मोर। इसमें हम लोगों ने बर्ड्स के बारे में पढ़ा है और बर्ड्स के बीक्स, उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा फीट एंड क्लॉज, उनके पंजे और पैर के बारे में, ठीक है। तो इसी में हमने पॉइंट नंबर 5 तक करा था, आज हम पॉइंट नंबर 6 से करेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 6 है आपका वेडिंग बर्ड्स। सच एज क्रेन्स एंड हेरॉन्स हैव 6 लॉन्ग एंड थिन फीट विथ लॉन्ग थिन एंड स्प्रेड आउट क्लॉज। तो देखिए, क्रेन और बगुले जैसे पक्षी के पंखों में 6 लंबे पतले पैर होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे है, विद द हेल्प ऑफ दीज टाइप ऑफ क्लॉज दे वॉक इन वाटर एंड देयर फीट डू नॉट सिंक इन द मड। कहा जा रहा है इस प्रकार के पंजे की मदद से वे पानी में चलते हैं और उनके पैर कीचड़ में डूबते नहीं है। अगर हम कीचड़ में चले तो हमारा पैर जो है वो कीचड़ में डूब जाएगा ना। पर जो वेडिंग बर्ड्स हैं, जैसे कि क्रेन्स हो गए, हेरॉन्स हो गए, ये अगर कीचड़ पे चलते हैं तो उनके पैर कीचड़ में डूबते नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके जो क्लॉज है उस प्रकार के बने हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, 7th नंबर, द ऑस्ट्रिच विच इज अ फ्लाइटलेस बर्ड हैज स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड शार्प क्लॉज। दीज हेल्प इट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इट्स एनिमीज बाई किकिंग पावरफुली। तो जो हमारा ऑस्ट्रिच है, जिसे हम शुतुरमुर्ग कहते हैं, ठीक है, ये ऐसा बर्ड है जो उड़ नहीं सकता, ठीक है। चलिए, ऑस्ट्रिच के मजबूत पैर होते हैं, ठीक है, और इनके पंजे भी मजबूत होते हैं। क्या करते हैं ये इन पंजों से, अगर इनके दुश्मन इसके सामने आते हैं तो वो अपने पैर से उसे मार कर दूर कर देते हैं और खुद को बचाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इससे हमें क्या पता चला, ऑस्ट्रिच जो है वो एक फ्लाइटलेस बर्ड है, वो उड़ते नहीं है, और सबसे बड़ा एग अगर किसी बर्ड का है तो वो किसका है, वो ऑस्ट्रिच का है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाउ डज अ बर्ड फ्लाई, बर्ड कैसे उड़ते हैं, ओके। बर्ड्स हैव एरोप्लेन शेप्ड बॉडी, देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट, दे हैव टेल्स विच हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीड एंड डायरेक्शन। तो देखिए, पक्षियों में हवाई जहाज के जैसे शरीर होता है, ठीक है, इनकी हड्डियां खोखली होती है, मीन्स अंदर से खाली होती है और हल्की होती है। जो भी चीज खोखली है वो आप देखोगे हल्के होते हैं। उनके पास पूंछ है, ठीक है, जो उन्हें स्पीड देते हैं, ठीक। बर्ड्स हैव विंग्स, दीज विंग्स आर ज्वाइंट टू द बॉडी विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स, दीज मसल्स हेल्प द बर्ड्स टू मूव देयर विंग्स, द विंग्स हैव फीदर्स विच आर कॉल्ड फ्लाइट फीदर्स। देखिए, उनके पास पूंछ है जो उन्हें स्पीड देते हैं, ठीक है, और किस डायरेक्शन में उन्हें उड़ना है इसमें उन्हें हेल्प करते हैं। आगे है, पक्षियों के दो पंख होते हैं, आपने देखा है पक्षियों के दो पंख होते हैं और ये पंख उनके मसल्स से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। ये मसल्स पक्षियों के पंखों को हिलाने में हेल्प करते हैं और पंखों के ऊपर की ओर जो उन्हें हम अप स्ट्रोक कहते हैं और जब वो पंख नीचे आते हैं तो उन्हें हम डाउन स्ट्रोक कहते हैं। तो आप देखो यहाँ फिगर दिया हुआ है हमारा, ये हमारा चिड़िया का जो पंख है वो ऊपर की ओर है तो इसे हम अप स्ट्रोक कहेंगे और इसी बर्ड का जब ये पंख नीचे आता है तो इसे हम डाउन स्ट्रोक कहेंगे। तो यह फ्लाइट फीदर्स किसे कहा गया है, फ्लाइट फीदर्स कहा गया है जो पंख उन्हें उड़ने में हेल्प करते हैं उन्हें हम यहाँ पर फ्लाइट फीदर्स कह रहे हैं। आगे है, बर्ड फ्लैप्स देयर विंग्स अप एंड डाउन टू फ्लाई, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स इज कॉल्ड अप स्ट्रोक एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड
डाउन स्ट्रोक। जब बर्ड अपने पंख को ऊपर की ओर उड़ाते हैं तो उसे अप स्ट्रोक कह रहे हैं, और जब वो नीचे की ओर करते हैं तो उसे डाउन स्ट्रोक कह रहे हैं। नेक्स्ट है, बर्ड सच एज स्पैरोज एंड मैनहर्स फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लाई एट लोअर हाइट्स। बर्ड सच एज ईगल्स एंड वल्चर्स ग्लाइड एंड फ्लाई एट ग्रेट हाइट्स। बर्ड सच एज हेंस एंड पीकॉक वॉक एंड फ्लाई ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। तो देखिए, पक्षी उड़ने के लिए अपने पंखों को ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है, आप तो जानते हो। आगे देखो, बर्ड सच एज स्पैरो, गौरैया और मैना जैसे पक्षी जो है वो अपने पंख फड़फड़ाते हैं और कम ऊंचाई पर नहीं उड़ते हैं, ये ज्यादा ऊपर तक नहीं उड़ सकते। लेकिन जो हमारा चील और गिद्ध है, जिसे हम ईगल और वल्चर कहते हैं, ये क्या करते हैं, वो लंबी उड़ाने लेते हैं, बड़ी ऊंचाई तक उड़ते हैं, ठीक है। और हमारा मुर्गी और मोर जो होते हैं, इन जैसे पक्षियों जो है वो कम दूरी तक ही चलते हैं और उड़ते हैं, ठीक है। तो आपका बर्ड ऐसे फ्लाई करता है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे फीदर्स, ओके। आज के लिए इतना ही, आप इसे रीडिंग करना अच्छे से, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू।